सेंसिटिविटी जो फ्री फायर में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि भाई सेंसिटिविटी की ही वजह से आप लोग हेडशॉट मार सकते हो। और अगर आपने अपनी सेंसिटिविटी छह नहीं रखी तो 90% चांस है कि आपके हेड भी नहीं ज्यादा लगते, और जिसके ज्यादा हेड नहीं लगते उसका मतलब मैक्सिमम चांस होते कि उसने अपनी सेंसिटिविटी या एचयूडी सही नहीं की हुई। तो इस वीडियो में मैं तुमको बेस्ट सेंसिटिविटी यानी मोबाइल के रैम के हिसाब से बताने वाला हूँ, 1 GB 2 GB इन सब के बताने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना और चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले तुम लोग अपने मतलब कमेंट में बताना कि तुम्हारे फ्री फायर का लेवल कितना है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। देखो अगर अभी के टाइम पे तुम फ्री फायर को खेलते हो तो उसके लिए मैक्सिमम तुम्हें 4 GB भी वैसे आजकल लैग करता है, लेकिन 6 GB में मतलब मिनिमम तो खेलना ही पड़ेगा। लेकिन अगर तुम 2 GB पे खेलते हो लैग तो करेगा, लेकिन अगर तुम उसमें मेन जो सेंसिटिविटी बता रहा हूँ उनमें से मतलब रख दे दो तो तुम्हारा गेम प्ले भी रेस्टर जितना हो जाएगा, और तुम्हें रेस्टर जैसे प्लेयर्स को तो आराम से कस्टम में हरा सकते हो। भाई कस्टम ये जो सेंसिटिविटी होती है ये सर्वर भी डिपेंड करती है, मतलब जिस तरह सर्वर होता है। पाकिस्तान सर्वर में हमारे इतने हेड नहीं लगते, लेकिन जब हम इंडिया सर्वर या थाईलैंड या वियतनाम सर्वर में जाते हैं हमारे हेड बहुत ज़्यादा लगते हैं। अब ये मुझे नहीं पता, ये मेरी अपने से थ्योरी है, लेकिन हाँ सेंसिटिविटी वहाँ पर बहुत ज़्यादा चेंज है। तो बात करते हैं 8 GB 6 GB एंड 4 GB रैम वाले प्लेयर्स की। भाई इन सब के लिए वैसे इतना कुछ नहीं होता, यानी ये लोग को अगर 100 हाँ, लेकिन अगर ये लोग अपनी फुल 100 पे मतलब सारा कुछ जनरल रेड डॉट 4X scope 2X scope सब कुछ 100 रखेंगे तो 90% चांस है इनकी गोली भी टच ना हो, क्योंकि भाई इतनी ज़्यादा सेंसिटिविटी हो जाएगी इनसे कैमरा जब लाएंगे तो पूरा एकदम पूरा कैमरा ही घूम जाएगा। तो इसलिए मतलब एक फिक्स्ड होती है, और ये तो मैं स्क्रीन पे आप दिख रही होगी ये जो मतलब सेंसिटिविटी, ये 4 GB 6 GB और 8 GB प्लेयर्स मतलब इसको रख सकते हैं, और इससे मतलब इनके हेडशॉट भी ज्यादा लगेंगे और एम हेड पे आते ही रुक जाएगा। अगर बात करते हैं 2 GB और 1 GB रैम प्लेयर्स की तो उनके वैसे मतलब इतना कम चांस होता है। और हाँ अगर तुम लोग अपने जो ग्राफिक्स होते हैं उसको अल्ट्रा स्टैंडर्ड या स्मूथ पे रखते हो तो उसमें भी डिपेंड करता है हेडशॉट रेट। जैसे अगर तुम स्मूथ पे करते हो हेडशॉट कम, लेकिन स्टैंडर्ड पे करती है हेडशॉट ज्यादा, कि गरीना के भेदभाव है मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं पता। अरे बाप रे ये तो धुत। अगर बात करें 2 GB प्लेयर्स की और 1 GB प्लेयर्स तो उनकी सेंसिटिविटी फिर से तुम्हें स्क्रीन पे दिख रही होगी, और ये सेंसिटिविटी मैं खुद अप्लाई करता हूँ क्योंकि मैं खुद 2 GB पे खेलता हूँ, और इससे मतलब हेडशॉट थोड़े बहुत ज़्यादा लगते हैं। और हाँ इससे मतलब तुम्हारे हेडशॉट ज़्यादा लगेंगे पहले मतलब कंपैरेटिवली पहले से, और तुम एकदम प्रो प्लेयर बन सकते हो और CS:GO वगैरह में मास्टर ग्रैंड मास्टर आराम से कर सकते हो। देखो तुम्हें अब मुझे नहीं पता तुमने अगर यहाँ तक वीडियो देखी तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।